गट्टू का गणेशा। गणेश चतुर्थी नजदीक आते ही गट्टू चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों खुशी के मारे पागल होकर नाचने गाने लगे। ओ माय फ्रेंड गणेशा, आते रहना हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, जल्दी आओ गणेशा। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए सारे बच्चे ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वह गणेश जी को देवता नहीं अपना फ्रेंड मानते हैं। गट्टू चिंकी भी फ्रेंड गणेशा के स्वागत के लिए काफी एक्साइटेड थे। मम्मी पापा के साथ जाकर उन्होंने सजावट का सारा सामान खरीद लिया। मम्मी ने भी मोदक बनाने के लिए जरूरी राशन ले लिया। लेकिन जैसे ही पापा मम्मी गणेश मूर्ति खरीदने लगे, गट्टू चिंकी ने मना कर दिया। पापा, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लेंगे, उससे जल प्रदूषण होता है। हम गणेश को पानी में विसर्जित करके घर चले आते हैं, लेकिन फिर बाद में वो पानी मूर्ति को बाहर फेंक देता है। अनजाने में लोगों के पैरों तले वो मूर्ति कुचली जाती है, टूटती है, फूटती है, उसकी मान हानि होती है। हम हमारे गणेशा की मान हानि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया, आपके पास इको फ्रेंडली गणेशा नहीं है? वो क्या होता है? अरे, वो मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति होती है। नहीं, हमारे पास वो मूर्तियाँ नहीं आती। आपको लेनी है तो यही लेनी होगी। इट्स ओके, चलिए पापा। हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें मिट्टी से गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। हम हमारा गणेशा खुद अपने हाथों से बनाएंगे। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। गणेश चतुर्थी को बस एक ही दिन बाकी था। दादी, मम्मी और गट्टू चिंकी मिलकर गणेश जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। गणेश जी का घर तैयार करके उसकी सजावट कर रहे थे। बच्चों, तुम लोग जाओ और गणेश जी की मूर्ति बनाओ। बाहर तेज धूप है, आज मूर्ति सूख जाएगी तो कल हम उसे पेंट करके उसकी स्थापना करेंगे। चल चिंकी। गट्टू चिंकी भागते हुए गार्डन में आए। गार्डन में हरी, गुड्डी, राजू और सोसाइटी के बाकी बच्चे गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे। लेट हो गए हो तुम लोग, अब जल्दी करो। चिंकी, जाओ और मिट्टी लेकर आओ। चिंकी मिट्टी लेकर आई। गट्टू ने मिट्टी साफ की और उसमें पानी डालकर मुलायम कीचड़ तैयार किया। मटेरियल तो बन गया, अब मूर्ति बनाते हैं। गट्टू चिंकी कीचड़ को आकार देने लगे और देखते देखते एक घंटे में उनकी गणेश जी की इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति तैयार हो गई, जो सबसे सुंदर थी। सबकी मूर्तियां एक साथ रखी गई और सारे बच्चों ने मूर्ति के साथ सेल्फी लेकर वह सेल्फी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप और साथ साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, ताकि दूसरे भी उनसे इंस्पायर हो सके। फिर गट्टू चिंकी अपनी मूर्ति लेकर घर चले आए। अरे वाह, बेहद सुंदर बनी है। अब इसे छत पर रखो, धूप में सूख जाएगी। दोनों जाकर मूर्ति छत पर रखाए। अंदर आकर मम्मी और दादी की हेल्प करने लगे। शाम हो गई और चिंकी गट्टू से बोली, चलो ऊपर चलकर देखते हैं, गणेश मूर्ति सूख गई होगी। दोनों जैसे ही छत पर आए, नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि तेज बारिश हो गई थी जिससे उनका फ्रेंड गणेशा पिघलकर बह चुका था। गट्टू चिंकी रोते भागते घर आए और आते ही दादी की गोद में जाकर सिसकियां भरने लगे। बच्चों, अब रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाए दादी, हमारा गणेशा स्थापना से पहले ही विसर्जित हो गया। हमें पता भी नहीं चला बाहर कब बारिश शुरू हो गई। सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। डोंट वरी बच्चों, हम दूसरी मूर्ति बनाएंगे। अब ये इम्पॉसिबल है मम्मी, रात हो चुकी है, धूप भी नहीं है और कल गणेश चतुर्थी है। मूर्ति बनाई भी तो अब वो नहीं सूखेगी, फिर उसको पेंट कब करेंगे, स्थापना कब करेंगे। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा? ऐसे कैसे, बुद्धि जागृत हो तो हजारों रास्ते निकलते हैं। गणेश जी तो बुद्धि के ही देवता हैं। गट्टू चिंकी, गणेश जी भी एक बार ऐसी ही उलझन में फंसे थे, लेकिन उन्होंने उस उलझन से कैसे रास्ता निकाला, वो कहानी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। कहानी का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी का रोना थोड़ा कम हुआ। महर्षि व्यास एक बार गणेश जी के पास आए। महर्षि व्यास तब महाभारत की कहानी लिख रहे थे।
और लिखावट का काम करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी मान गए, लेकिन महर्षि व्यास ने शर्त रखी कि लिखते हुए उन्हें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रुकावट से उनका फ्लो टूट सकता है। ये शर्त भी गणेश जी मान गए। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या, महर्षि व्यास कहानी सुनाने लगे और गणेश जी फटाफट लिखने लगे। अचानक लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। ओ गॉड, फिर? उलझन की घड़ी थी। गणेश जी व्यास जी को रोकते तो व्यास जी का फ्लो टूट जाता, और नहीं रोकते तो बिना कलम के लिख भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया पता है? उनका जो हाथी का मुख था, उसका एक दांत तोड़कर स्याही में डुबोकर उस दांत की कलम बनाकर लिखना शुरू किया, और महाभारत बिना रुकावट के कंप्लीट किया। कहानी का मोरल अच्छा है, लेकिन गणेश जी के पास हाथी का मुख था, लंबे लंबे दो दांत थे, हमारे पास तो उनके जैसा कुछ भी नहीं है। दांत नहीं, लेकिन हाथ तो है। हाथी जैसा मुख नहीं, लेकिन गणेशा जैसी कलाएं तो है। तुम दोनों पेंटिंग कर सकते हो, गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाओ। हम उसी पेंटिंग की स्थापना करेंगे और उसे विसर्जित भी नहीं करना पड़ेगा। वो पेंटिंग हमेशा हमारे पास ही रहेगी। हाँ, दादी की बात सुनकर गट्टू चिंके इंस्पायर हो गए और दोनों ने मिलकर गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाई। दूसरे दिन सबने मिलकर उस पेंटिंग को मंदिर में स्थापित किया, मोदक का नैवेद्य दिखाकर विधिवत पूजन किया और गट्टू चिंकी ने जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा का स्वागत किया। गणपति बप्पा, मोरिया, मंगल मूर्ति, मोरिया।